नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के लिए 5 अक्टूबर 2023 के आदेश के पालन में आयुक्त महोदय एवं जेडी महोदय से मांग की गई कि जिला शिक्षा अधिकारियों को क्रमोन्नति समयमान वेतन लाभ हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश जारी किए जाएं की मांग की गई। क्रमोन्नति समय ही सेवा का लाभ ग्रेच्युटी में देते हुए आदेश किए जाए। देखिए रामचरण वर्मा क्या कहते हैं। एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। दिनेश धनगर, रामचंद्र दांगी, मैं रामचरण वर्मा, सुनील यादव। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की विभिन्न समस्याएं लंबित है। चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने 5 अक्टूबर 2023 को जो 1 जुलाई 2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग बनाया गया है उसके लिए 12 साल पर प्रथम क्रमोन्नति, 24 पर द्वितीय और 30 साल पर तृतीय क्रमोन्नति, साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10, 20, 30 साल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश किए हैं। किंतु आज दिनांक तक उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के किसी भी प्रकार के प्रस्ताव नहीं लिए गए हैं। यह समस्या हम विभाग के प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय और आयुक्त महोदय से हमने आज बात रखी है कि जल्दी ही हमारे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है जिनको 24 साल या 12 साल या माध्यमिक शिक्षक जो जेडी कार्यालय से होना है क्रमोन्नति समयमान के आदेश, तो उनके भी प्रस्ताव मंगवाया जाए और शीघ्र ही इनको लाभ दिया जाए। क्योंकि 2022 में अवधि पूरी हो गई है 98 वाले को 24 वर्ष की। तो ये हमारा एक मुद्दा यहाँ था। द्वितीय ये है कि हमारे विभिन्न स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं जिनकी विभिन्न तकनीकी समस्याएं थी, जैसे कोई त्रुटि हो जाना या किसी का मोबाइल चेंज करना, मोबाइल गुम हो जाना या किसी का अनुभव अपडेट नहीं होना, ये भी बात हमने आज अतिथि शिक्षक शाखा में रखी है। साथ ही एक बड़ा मैटर है, क्योंकि 7.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ा है। भारत सरकार ने पिछले 7 मार्च को 4% जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में वृद्धि की है और जो अधिकारी गण हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दिन से क्रमोन्नति आदेश पड़े हैं, 25 दिसंबर का है वो, 25 दिसंबर से अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बारे में अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई गई है। साथ ही 8% महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है 4% करके 2 बार, और हमारी सरकार इंतजार करती कब आचार संहिता लगे। विधानसभा में 4% उलझा दिया, अब लोकसभा में भी हो सकता है कि शासन ये इंतजार करी हो कब आचार संहिता लगे और हम ये बहाना बना ले कि आचार संहिता लग गई है। तो उनको यही आज दिया, उनको वही निवेदन किया गया उनसे कि अति शीघ्र ये 8% महंगाई भत्ता शासन जारी करें जिससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा हो। सीमावर्ती राज्य राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ये दे दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कोई हलचल नहीं थी, इसलिए उसे संज्ञान में लाया गया है। उम्मीद है कि कल की कैबिनेट में राज्य शासन के द्वारा महंगाई भत्ता दिया जाए जिससे 7.5 लाख कर्मचारियों को थोड़ी राहत महसूस हो। और अतिथियों के बारे में भी ये चर्चा की गई है, इस प्रकार आज शासन के अधिकारियों से ये जानकारी संज्ञान में ला करके उनसे मांग की गई है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।